बाबू वेरी गुड, हो गया हो गया। अरे बस आ जाएगी, चलो लेट्स गो, चलो चलो। पागला हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे है सुबह 9:30 और देखिए मेरे बच्चे सब क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे हेलो करो, कहाँ दिख ही नहीं रहे हो तुम लोग। ये आज इन लोग के पेपर है, पेपर आज है? आज नहीं है, 19 से पेपर शुरू। हमारे बच्चे की पेपर है शुरू, पापा पेपर, पापा पेपर। व्हाट? क्यों? हाँ और पता है कल कोई आने वाले हैं? कौन आने वाले हैं? कौन आने वाले हैं? सरप्राइज। देखिए सरप्राइज नहीं बताएगी वो, नहीं बताएगी। और ये है हमारी सारा की, नहीं ये तो सारा है, कहाँ है माही, कहाँ है माही? ये है माही, सारा की फ्रेंड। तो दोनों मिलके स्टडी करते हैं साथ में। चलिए खा लेते हैं मेडिसिन। हाँ मेडिसिन खाते हैं, है ना फ्रेंड, खाना चाहिए ना, क्या करे बीमार आदमी। तो मेरा हमारा स्नेहांश चला गया, आज उसका कुछ है, क्या है, असेंबली, उसका असेंबली है। तो आज उसको पूरा कपड़े वपड़े तैयार करके उसको पहना के उसका कॉस्ट्यूम और उसके क्या मेकअप वगैरह करके इतना खुश था वो, बहुत खुश था। इतना हैप्पी हैप्पी होके करके क्या, मम्मी मम्मी मुझे जाना है, आज मुझे असेंबली है, असेंबली नॉट असेंबली, वो बोलेगा सेमली है, सेमली। डांस तो किया नहीं, डांस और घर पे बोलो बेटा डांस करो डांस करो, नहीं करना नहीं करना। तो पता नहीं कैसे करेगा, जो भी करेगा देखा जाए। भैया बच्चे हैं तो, और कैसे बताइए आप सब सुबह सुबह क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं और हम लोग माँ बेटी दोनों मिलके बहुत मजे कर रहे हैं, नहीं तो है ना, मजे कर रहे हैं। हाँ और बताइए, अभी आप लोग को भी सब बच्चे बच्चों के पेपर ऊपर शुरू होंगे शायद, हैप्पी अली का। हाँ, इस बार तो आज स्कूल नहीं है ना, आज प्रिपरेशन लीव है उनका, अभी 19 तारीख से होगा ना। हाँ हाँ 19 तारीख से होगा पढ़ाई, जैसे हाँ। और इसके पापा बोलते हैं ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई नहीं है, मैं ऐसे ही बड़बड़ा रही हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं बड़बड़ाती क्यों हूँ, मैं बड़बड़ाती क्यों हूँ। क्यों बड़बड़ाती हूँ, पागल है बोले कि मैं ब्लॉगिंग जब से स्टार्ट किया ना सब बोले रास्ते में ये पागल हो गई है लड़की, पता नहीं क्यों बड़बड़ाती है। और ये जो पीछे दिख रही है मेरी हाउस हेल्पर है रेखा। तो चलिए फिर घर का काम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर जाएंगे मार्केट जाना है फिर से, किराने के सामान ग्रोसरी सामान ये सब नहीं है, चलो लाएंगे जाके फिर, क्या करें हम, औरतों की जिंदगी यही है।
कौन कौन घर की अपनी खुद की शॉपिंग करते हैं जाके, वो मुझे बताना जरूर कमेंट में बताइए जरूर, कौन कौन घर की ग्रोसरी ये सब शॉपिंग खुद करते हैं। और मेट्रो वाले तो जो मेट्रो में रहते हैं वो लोग तो अपने आप ही ऑनलाइन शॉपिंग सब हो जाता है, घर पे आके दे जाते हैं। हाँ हो गया नहीं हुआ। तो ये है, तो हमारे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़ाई का जरूर सीन दिखाऊंगी इन दोनों का, मजा वाला एकदम, स्कूल का सीनरी है, स्कूल का माहौल है, माहौल मजाक उड़ाती हूँ मैं इन लोग का, इन लोग का यही है, मजाक उड़ाते हैं हम लोग। कुछ बोलो मत बस। चलो बच्चों मैं जा रही हूँ मार्केट। माही को ना आने जाना है तो चले जाना, ठीक है? और सारा अब लॉक बंद करके आप भी नहा लेना, ओके? चलो मैं जाऊं। रिलायंस प्लेस आ गई हूँ कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने के लिए। थोड़े घर पे थोड़ा काम सामान थे, इसलिए मैंने सोचा था लेके आ जाती हूँ। कल मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट तो नहीं अपने ही हैं, मम्मी पापा आने वाले हैं, सो थोड़ा सा सब्जी वगैरह जाके लेके आती हूँ। और ये राजस्थान है तो इतना फ्रेश सब्जी तो मिलता नहीं है, फिर भी आजकल मिल जाता है थोड़ा बहुत। ये देखिए कद्दू ले लिया है मैंने, पम्पकिन, हरा वाला पम्पकिन, पहले राजस्थान में वेजिटेबल्स भी नहीं मिलते थे, आजकल तो मिलने लगे हैं। यहाँ पर बारिश भी आजकल होते हैं तो अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स भी मिल जाता है। पास मेरी लंच से मैं इसलिए आ गई थी। चलिए फ्रेंड्स अब लंच की तैयारी कर लेते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। तो आज मैं बनाऊंगी राजमा, आधा किलो राजमा है, उसके लिए मैंने प्याज पीस लिया है, तो टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा और तेज पत्ता और गरम मसाला ये सब चाहिए, हल्दी और मिर्ची पाउडर और नमक। तो इसमें मैं पहले डालूंगी जीरा, जीरा डाल दूंगी, ऑयल गरम हो गया तो इसमें जीरा डाल दिया। अब डालूंगी एक तेज पत्ता, फिर मैं डाल दूंगी एक दालचीनी का टुकड़ा। चलिए गरम हो जाए तो अभी मैं डाल दूंगी प्याज का, प्याज जो पेस्ट करके रखा था वो डाल दूंगी। तो इसे भून लूंगी, उसको भूनिए, अच्छे से भून लीजिए प्याज को, थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लीजिए इसको। और मैं राजमा को डायरेक्ट ही कुकर में बना लेती हूँ, उसको पहले से बॉईल भी करके आप डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं डायरेक्ट ही बनाती हूँ। और मैं ये वाली राजमा लेती हूँ, ये देखिए छोटे छोटे वाले जो राजमा आता है इसको कश्मीरी राजमा बोलते हैं, कश्मीर से आती है ये वाली, तो ये वाले अच्छे होते हैं, ज़्यादा खाने में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जल्दी भी ये हो जाते हैं, बॉयल भी जल्दी हो जाते हैं। अब इसमें मैं एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, फिर उसको फिर से भूनूंगी, मसाले से जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए तब तक मैं भूनूंगी इसको।
और फ्रेंड्स वो ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ना, मैं इसको एक साथ बना के रख लेती हूँ, कम से कम आपको 2 हफ्ते तक ये रह जाते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या बिजी है वो लोग बना के रखिए, इसको बहुत काम में आता है। इकट्ठे एक साथ बना लीजिए। और इसमें क्या करती हूँ ना मैं, नमक और चाहो तो आप ऑयल भी डाल के रख सकते हो, ज्यादा दिन रह जाते हैं ये। ये देखिए देखिए ये भुने लगा है। और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, 2 टमाटर मीडियम साइज का लेके उसको ग्राइंडिंग कर लीजिए। अब इसमें मैं सूखा मसाला डाल दूंगी। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आपको जितना तीखा चाहिए, मेरे बच्चे हैं इसलिए तीखा ज्यादा नहीं खाते, तो 1 चम्मच ही डालती हूँ। और 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर। फिर उसको चलाइए। ये मैं कुकर के ढक्कन को बंद कर दूंगी, उसको मसाले को पकने दूंगी। और मैं रिलायंस फ्रेश गई थी, लेके आ गई हूँ सामान, तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। ओके चलिए देखिए, शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। ऐसे ही रोज का भी थोड़ा, मेरे घर पे कोई कल आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सामान जैसे सब्जी और फ्रूट्स वगैरह सब लेके आ गई हूँ। जो चलिए ये देखिए, किस किस को मैगी पसंद है। ये मैगी का पैकेट लाई हूँ, लेकिन मैं बच्चों को ज़्यादा देती नहीं हूँ, 2 हफ्ते में या हफ्ते में एक बार देती हूँ। और ये रहा अमूल का दूध, 3 पैकेट। चाय के लिए लाती हूँ वाला मिल्क, और देसी गो का मिल्क मैं लेती हूँ, 82 मिल्क। वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी एक दिन, उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो में बताऊँगी। और ये कद्दू, धनिया पत्ता, करेला, बनाना, मटर, ये जो व्हाइट पीज होता है ना, हम लोग घुगनी बनाते हैं इससे। और ये भिंडी, ये भिंडी है। और वहाँ से मैं बासमती राइस, रिलायंस में थोड़ा चीप रहता है। और ये छोले, और ये देखिए कितना बड़ा गदा, ये गदा है गदा, कितना बड़ा कद्दू। बस इतना ही लाई हूँ मैं। और हाँ, ये 3 टाइप्स ऑफ सॉस है, सोया सॉस और ये रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये लाई हूँ, बस इतना ही लाई हूँ। तो चलिए लंच बना लेते हैं, अब लेट हो गया काफ़ी। देखिए अब ये भुनने लग गया है, ये उसको थोड़ा और भुनिए अच्छे से। सॉल्ट दे दूंगी, अब मैं सॉल्ट दे दिया। देखिए भुन गया है अब ये, बस थोड़ा सा और भूनूंगी, अब उसमें राजमा डाल दूंगी। इसमें मैं गरम मसाला भी डाल दूंगी, गरम मसाला पाउडर भी 1/2 चम्मच डाल दीजिए इसमें। इसे भूनिए। मसाला फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें राजमा डाल दूंगी।
चलिए इसको आप फ्राई कीजिए, फर्दर भुनिएगा इसको। अब ये अच्छे से भुन गया है। देखिए ऐसे होना चाहिए। अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दूंगी, जितना आपको पानी चाहिए आप डाल दीजिए। अब देखिए ये बॉयल आने लगा है। अच्छे से जब बॉयल आने लग जाएगा तो हम इसको ढक के 6 से 7 सीटी देने तक पकाएंगे, आपकी मर्जी। चलिए इसको अब बंद कर देती हूँ, बंद करके 6 सीटी होने तक बॉयल करूंगी। ये देखिए मेरे राजमा रेडी हो गया। मेरे राजमा रेडी हो गया लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, सो इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के फिर से बॉईल करूंगी, पर आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं इसमें घी डाल दूंगी लास्ट में, और आपको कोरिएंडर लीफ जो है उसको भी आप काट के डाल सकते हो अगर हो तो, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। तो अब ये रेडी है, अब इसको हम चावल के साथ एंजॉय करेंगे। ये देखिए मैंने लंच बना लिया है। अब चावल है, एक तोरी का सब्जी है और राजमा है, एक पोच है बच्चों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक ज़रूर करिए, लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि वीडियो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, मैं इससे मैं अपना वीडियो की क्वालिटी को और सुधारूंगी। सो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिए ज़रूर, सब्सक्राइब भी करिए। ये देखिए मेरा राजमा हो गया अब। ओके बाय बाय।